हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये पत्तियाँ अगर आप सोच रहे हैं पालक की हैं तो गलत सोच रहे हैं, ये है खटुआ पत्ती। तो आज खटुआ और एक बैंगन मैंने लिया है, तो खटुआ और बैंगन की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। तो उसके लिए सिंपली एक बर्तन में मैंने बेसन ले लिया है 2 से 3 चम्मच, क्योंकि मैं एक दो लोगों के लिए खाना बना रही हूँ तो इतना पर्याप्त है। आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो ज़्यादा बेसन ले लें। और ये बेसन को मैं मठा से घोल बना रही हूँ, मतलब बेसन और मठा का घोल बना रही हूँ। तो बेसन में थोड़ा थोड़ा मठा डाल दिया है मैंने और घोल बना लेती हूँ। आप मठा की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास मठा है इसलिए मैं मठा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये पतला सा घोल बनाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग कढ़ी के लिए घोल बनाते हैं ऐसे ही घोल बनाना है। तो अब इसमें पानी डाल लें, मठा डाल लेंगे, पूरा कटोरा भर लेंगे, क्योंकि कटोरा भर के जब बनाते हैं तो फिर जब पकाते हैं तो आधा रह जाता है। अब पत्तियों को मैंने काट लिया है और ये बैंगन भी मैंने काट लिया है। तेल गरम कर लिया, इसमें हींग डाल दी जी। और हींग डालने के बाद थोड़ी सी मेथी डालना है और लहसुन, लहसुन की कलियाँ अच्छे से भून लेना है। अब ये पत्तियाँ जो मैंने काट ली हैं, खटुआ पत्ती और बैंगन, इन्हें फ्राई कर लेना है, भून लेना है तेल में। तो बैंगन और खटुआ पत्ती को मैंने भून लिया है। अब बेसन और मठा का घोल इसमें डाल देना है और इसे पकाना है, जैसे हम लोग कढ़ी पकाते हैं उसी तरह से पकाना है। और काफ़ी देर तक पकाना होता है, क्योंकि जितनी देर आप पकाएंगे अच्छे से पक जाएगी उतने ही खाने में ये स्वादिष्ट लगेगी। और इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और चटनी भी डालनी है, हरी धनिया और हरी मिर्च की चटनी भी डालनी है। तो जब चटनी आप पीसें तो उसमें 2-3 लहसुन की कलियाँ, अदरक का टुकड़ा ज़रूर डालें। तो मैंने चटनी ये पीस ली है, हरी मिर्च, हरी धनिया, लहसुन के टुकड़े, लहसुन की 2 कलियाँ डाली हैं और अदरक का टुकड़ा और नमक। और अब इसमें जब ये पकने लगती है तब डालना है, शुरुआत में ही नहीं डालना है, लास्ट में डालना है कि हाँ ये अब गाढ़ी हो गई है और तब डालना है। और उसके बाद फिर पका लेना है थोड़ी देर। और यकीन मानिए, एक बार इस तरह से आप बना के देखिए, पालक की कढ़ी, भतुआ की कढ़ी कई बार आपने बनाई होगी, लेकिन एक खटुआ पत्ती की कढ़ी बैंगन डाल के बनाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। और ये हम लोग गांव में बहुत बनाते हैं, चूल्हे पे बनी हो तो फिर तो बात ही अलग होती है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, खटुआ पत्ती वाली कढ़ी या खटुआ वाली कढ़ी कैसी लगी, खटुआ और बैंगन वाली कढ़ी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी।